हाय हेलो नमस्ते गेम शो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी आपके ये अपने यूट्यूब चैनल कूल ट्रिक्स में आपका स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आज फिर लेके हाजिर हूँ एकदम बेहतरीन यूनिक एयरड्रॉप आपके लिए। एयरड्रॉप भी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे आप गेम खेल के एकदम इंस्टेंटली अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। अच्छी खासी दोस्तों इसलिए कि आप यहाँ पे 10, 100, 1000 डॉलर तक भी अर्न कर पाएंगे और पेमेंट जो है दोस्तों वो एकदम इंस्टेंट है, माने एकदम तुरंत आप यहाँ पे पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और एकदम इंस्टेंटली आपको यहाँ पे आपका पेमेंट आपके किसी भी वॉलेट में रिसीव हो जाएगा, जो कि आप एकदम इंस्टेंटली यहाँ पे कैश आउट कर पाएंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस में दोस्तों आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, गेम खेल के बताऊंगा और साथ ही साथ पेमेंट लेके भी बताऊंगा, तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं लूट की तरफ। एयरड्रॉप की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको यहाँ पे गेम खेलने के लिए कौन से टोकन की जरूरत पड़ेगी और इन रिटर्न आपको यहाँ पे कौन से टोकन रिसीव होने वाले हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों गेम खेल के अगर आप विन करते हैं, अगर आपकी गेमिंग स्किल अच्छी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे और आपको यहाँ पे बिटकॉइन SV ये टोकन देखने मिलेगा। और दोस्तों ये जो टोकन है ये यहाँ पे 100+ एक्सचेंज पे लिस्टेड है, माने कि आप जो टोकन रिसीव होंगे एकदम इंस्टेंटली आप यहाँ पे कैश आउट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है ये जो टोकन है दोस्तों बिटकॉइन SV ये यहाँ पे WazirX पे भी लिस्टेड है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेमेंट आप कैसे लेंगे। सारी की सारी दिक्कत का सोल्यूशन ये सेम वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो एयरड्रॉप निकल के आ रहा है या फिर कह सकते हैं ये जो गेम निकल के आ रही है ये यहाँ पे डॉट वॉलेट की तरफ से आ रही है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, सिंपल से ऐप को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऐप का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मैं सिंपल सा सजेस्ट करूँगा ईमेल आईडी यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ईमेल वगैरह OTP वगैरह आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ईमेल आईडी इनपुट कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सिंपल सा ये जो कैप्चा है दोस्तों इसे यहाँ पे स्लाइड कर लीजिए और वेरीफाई हो जाएगा कैप्चा। जैसे ही कैप्चा अप्रूव हो जाए आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, OTP फिल कीजिए और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे OTP फिल कर ले आपको यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड इनपुट करना और फिनिश पे क्लिक करना है। इतना होते ही दोस्तों आप यहाँ पे ऐप के मेन इंटरफेस में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बिटकॉइन SV ये सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक कीजिए, कोई भी यहाँ पे एक रैंडम सा नेम इनपुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे एक नेम इनपुट कर देता हूँ और क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो वॉलेट है दोस्तों वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बैकअप पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखने मिलेंगे, वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे भी सेफली रख लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी कहीं पर भी अगर आप अपना वॉलेट का पासवर्ड और ईमेल आईडी वगैरह अगर आप भूल जाते हैं तो ये एक ही तरीका रहेगा, ये फ्रेज के जरिए आप अपना जो वॉलेट है वो रिकवर कर पाएंगे। तो बैकअप पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे आपके वर्ड्स देखने मिल जाएंगे और इसके आप यहाँ पे कहीं पे भी सेफली स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर आप किसी भी बुक में लिख लीजिएगा ये सारे के सारे वर्ड्स। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपने जो फ्रेज बैकअप किया था वो आपको यहाँ पे एक बार वो सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। इतना होते ही दोस्तों आपका अकाउंट और वॉलेट दोनों क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़े से बिटकॉइन SV चाहिए रहेंगे। सो आपको यहाँ पे दोस्तों $2 से $3 के अराउंड के बिटकॉइन SV चाहिए रहेंगे, जो आप यहाँ पे कुकॉइन से बाई कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझा दूँ, सिंपल से आप यहाँ पे कुकॉइन ऐप ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे दोस्तों कुकॉइन के थ्रू ये विड्रॉ प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ पे आपके डॉट वॉलेट में डिपॉजिट कर पाएंगे $2 से $3 के SV। आप चाहे तो WazirX भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन WazirX में जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे $10 से $15 तक के बिटकॉइन SV डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम वेस्ट है दोस्तों, हमें इतने बिटकॉइन SV की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कुकॉइन के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुकॉइन का अकाउंट ना हो तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों बैलेंस पड़ा है कुछ 900 के अराउंड, मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैलेंस ना हो कुकॉइन में आप यहाँ पे TRX डिपॉजिट कर लीजिएगा। सिंपल सा डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे TRX सर्च कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे आपका TRX का एड्रेस शो हो जाएगा, WazirX, CoinDCX, कहीं से भी आप यहाँ पे TRX डिपॉजिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल बताऊँ कैसे आपको यहाँ पे कुकॉइन का अकाउंट क्रिएट करना होता है, कैसे आप यहाँ पे कुकॉइन में KYC कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अगर मेजॉरिटी यूजर्स का ये डाउट आता है कि उन्हें यहाँ पे कुकॉइन का अकाउंट क्रिएट करना सीखना है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर दोस्तों जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे TRX वगैरह डिपॉजिट कर ले, मैं TRX को आपको यहाँ पे सेल करके USDT में कन्वर्ट कर लेना है और USDT से आपको यहाँ पे BSV
जो टोकन है वो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। अगर यहाँ पे आप कुकॉइन यूज कर रहे रहेंगे दोस्तों, तो आपको जो TRX रिसीव हुआ होगा वो आपके अकाउंट में होगा, तो वो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिए, एक्सचेंज पे सॉरी क्लिक कीजिए, TRX सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ऑल सिलेक्ट करके कन्फर्म पे क्लिक करके इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। अब आप यहाँ पे ट्रेड पे आइए, स्पॉट वाले सेक्शन में TRX सर्च कर लीजिए, सेल वाले सेक्शन में आ जाइए, 100% सिलेक्ट कीजिए और अपने जो TRX है वो यहाँ पे सेल कर लीजिए अपना जो ट्रेडिंग पासवर्ड है इनपुट करके। जैसे ही आपके यहाँ पे 200 TRX सेल हो जाए, आपको यहाँ पे USDT रिसीव हो जाएंगे और आपको यहाँ पे BSV सर्च कर लेना और BSV/USDT पे क्लिक कीजिए। बाय वाले सेक्शन में 100% या जितने भी आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया हो, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 900 के अराउंड थे, आपके केस में 200-300 जितने भी रुपीज आपने यहाँ पे या TRX जो आपने डिपॉजिट किए होंगे वो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए BSV। वैसे मैंने आपको कहा आपको यहाँ पे सिर्फ $2-3 के BSV की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हमने दोस्तों BSV बाय कर लिया, तो वापस एक बार ट्रांसफर वाले सेक्शन में आ जाइए, BSV सर्च कर लीजिए और आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में ये सारे के सारे BSV ट्रांसफ़र कर लेना है। तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिए और आपके सारे के सारे बैलेंस जो है यहाँ पे आपके मेन अकाउंट में आ जाएगा और आप इसे यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। अब इसे जो है हमें यहाँ पे हमारे डॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, तो रिसीव पे क्लिक कीजिए। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे BSV का एड्रेस शो हो जाएगा। सो अब ये दोस्तों जो एड्रेस है इस पे आप यहाँ पे BSV ट्रांसफ़र कर लीजिए $2-3 के। सो सिंपल सा आप यहाँ पे कुकॉइन में आके BSV सिलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। जो एड्रेस हमने कॉपी किया वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जितने भी BSV आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो BSV आप यहाँ पे इनपुट कीजिए। मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे दोस्तों 0.02 का है, तो 0.03 ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। 0.01 यहाँ पे फ़ी लगने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे 0.034 के अराउंड विड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कीजिए और एड्रेस एक बार दो बार चेक कर लीजिएगा ताकि कोई गलत एड्रेस पे सेंड ना हो जाए, क्योंकि रिफंड वगैरह का सिस्टम दोस्तों आप जानते ही होंगे क्रिप्टो में नहीं होता। कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, अपना जो OTP वगैरह फिल करने के बाद आपका जो BSV है वो यहाँ पे डॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो टोकन थे जो हमने कुकॉइन थे विड्रॉ लिए थे BSV वो हमारे डॉट वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। जैसे ही दोस्तों आपको टोकन रिसीव हो जाए मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे गेम प्ले करना है। गेम एकदम आसान है, थोड़ा सा नीचे स्क्रोल कीजिए, आपको यहाँ पे बोनस फिशिंग देखने मिल जाएगा। ये बैनर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ये बैनर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑथराइज विथ डॉट वॉलेट प्रो पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर जो है दोस्तों आप यहाँ पे गेम में रिडायरेक्ट हो चुके हैं। ये गेम का कुछ इस प्रकार का आपको डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा तो आपको यहाँ पे इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। वैसे क्रोम में आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से अगर डायरेक्टली ना हो, जैसे मेरे केस में नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे दोस्तों ये वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है और कुछ ही टाइम पे ये वापस रीलोड लेगा और इस बार ये यहाँ पे इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ये इंग्लिश में हो जाए आपको सब समझने लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको गेम खेलना और कैसे आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, वैसे तो यहाँ पे दोस्तों 5 प्रकार की गेम है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको शैलो नोविस ये गेम के बारे में बताने वाला हूँ। एकदम ईजी गेम है, आपको यहाँ पे बस शूटिंग करनी है जैसे आप बचपन में किया करते थे टेम्पल रन वगैरह में, या बहुत सारे डिफरेंट गेम्स आते थे उसमें। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये गेम पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ये गेम पे क्लिक करेंगे गेम ओपन होने लगेगी, थोड़ा सा टाइम ले सकता है फर्स्ट टाइम ओपन होने में, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों गेम ओपन हो जाए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 प्लेयर ये गेम खेल रहे हैं। हम यहाँ पे दोस्तों ये वाले प्लेयर हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास कॉइन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे प्ले नहीं कर पाएंगे। वो भी आगे भी आपको मैं गेम प्ले करके बताऊंगा, पहले मैं आपको सारे के सारे एकदम गेम समझा दूँ कैसे आपको यहाँ पे प्ले करनी है। आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी फिश आती जाती दिखेगी आपके डिस्प्ले पे। आपको जितना होना है ज़्यादा से ज़्यादा फिश को यहाँ पे किल करना है। देख सकते हैं एक प्लेयर ने यहाँ पे एक फिश को किल किया तो उसे यहाँ पे 6000 पॉइंट्स रिसीव हुए। और ये यहाँ पे दोस्तों कोई छोटे मोटे मतलब ऐसे पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्टली BSV टोकन में कन्वर्ट होंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गेम खेलना एकदम ईजी है। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फिश को आपको यहाँ पे किल करते रहना है। कोई यहाँ पे दोस्तों टाइम की लिमिट नहीं है, जितने घंटे आप चाहे उतने घंटे यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जितने टाइम आप यहाँ पे किल करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक एक गोली मारी जा रही है, एक गोली की कीमत यहाँ पे 50 कॉइंस होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कॉइंस आपको कलेक्ट करना है और ध्यान रखना है ज़्यादा गोली आपको यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि इनडायरेक्टली गोली जो है यहाँ पे रुपीज़ के इक्वल है। तो अब मैं आपको एक बार गेम प्ले करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों बैक आ जाता हूँ क्योंकि फिलहाल हमारे पास 0 कॉइंस है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ।
अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कैसे हमें यहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट करना है और क्यों मैंने आपसे BSV टोकन डॉट वॉलेट में लेने के लिए कहा था। आपको यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सचेंज इन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 10,000 गोल्ड कॉइन्स ये ऑप्टेन कर लेने हैं। फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्टेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्टेन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 0.014 BSV के एक्सचेंज में आपको यहाँ पे 10,000 कॉइन्स रिसीव होंगे। तो आपको यहाँ पे pay.wallet पे क्लिक करना और आपको जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके एक बार आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इनपुट कर देना है, तभी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर पाएंगे। तो सिंपल सा गो टू सेटिंग पे क्लिक कीजिए और ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन सेंड कर दीजिए। वेरीफाई कर लीजिए आपकी ईमेल आईडी और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सिंपल सा यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट का आपने मनपसंद पासवर्ड इनपुट कर लीजिए। कन्फर्म पासवर्ड इनपुट कीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आपका पासवर्ड सेट हो जाए, वापस एक बार pay.wallet पे क्लिक कीजिए और इस बार दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट किया था वो पासवर्ड इनपुट करके ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देना है। सो सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों पेमेंट कंप्लीटेड थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप वापस एक बार गेम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली गेम में रिडायरेक्ट ना हो तो वापस एक बार गेम ओपन कर लीजिएगा, ऑथराइज कीजिए। और आप यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 10,000 कॉइन रिसीव हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दोस्तों गेम प्ले करके बता देता हूँ रियल में कि हम यहाँ से कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों, अब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किल करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे किल करते रहना है। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको ट्राई करना है जितने हो सके छोटे छोटे क्रिएचर्स को किल कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएचर्स जो है मारना आसान नहीं है और आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट होंगे। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने एकदम इंस्टेंटली यहाँ पे एक ही मिनट में आपके सामने यहाँ पे 47,000 कॉइंट्स कलेक्ट कर लिया। वीडियो एकदम लाइव है और देख भी सकते हैं, मेरे 10,000 कॉइंट्स थे लेकिन मैंने एक वो वाला बॉम्ब जो आया था वो बॉम्ब किल किया, तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली किल हो गए। अब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे किल करने की ट्राई करूँगा। ये देखिए छोटी छोटी फिश को आप यहाँ पे किल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। आपको बस यहाँ पे दोस्तों नेम लगा के किल करते रहना है। गेम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों 45,000 के आसपास मेरे कॉइन कलेक्ट हो चुके हैं। मैं और यहाँ पे थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ही टाइम गेम खेला और मैंने यहाँ पे 80,000 कॉइन्स यहाँ पे अर्न कर लिए। एक बार मैं आपको बैक जाके बता दूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे जो कॉइन्स है वो बाई किए हैं। सो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे डॉट वॉलेट में $2.76 के अराउंड BSV टोकन है। और आप देख सकते हैं लेटेस्ट पेमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ऑल पे क्लिक करके आपको बता दूँ ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे दोस्तों कुछ टोकन्स ऐड किए थे और लास्टली मैंने यहाँ पे 0.01 BSV के जो टोकन्स कॉइन्स थे वो मैंने बाई किए थे। अब मैं आपको बता दूँ 80,000 कॉइन्स की कितने BSV में वैल्यू होने वाली है। वापस एक बार मैं यहाँ पे दोस्तों गेम में चला जाता हूँ, बैनर पे क्लिक करके अपना जो वॉलेट है वो ऑथराइज वगैरह करके गेम के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कॉइन्स रिडीम करके बताता हूँ। सेम तरीका है दोस्तों, सिंपल सा एक्सचेंज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, इस बार आपको यहाँ पे एक्सचेंज आउट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एक्सचेंज आउट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है, एंटर गोल्ड कॉइन्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे सिंपल सा स्लाइडर को पूरा का पूरा स्लाइड कीजिए और कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, एक्सचेंज आउट 80,000 गोल्ड कॉइन्स पे हमें यहाँ पे रिसीव होंगे 0.1148 BSV के आसपास। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे जो कॉइन्स है वो यहाँ पे रिडीम हो चुके हैं। कॉइन्स यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जीरो हो चुके हैं जहाँ पे 80,000 कॉइन्स थे। तो मैं यहाँ पे आपको डॉट वॉलेट में एक बार लेके दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डॉट वॉलेट में $15.33 हमें रिसीव हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट गेम खेला था और वो भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होते हुए। कुछ भी रैंडम से कोई भी फिशेस को मैं यहाँ पे मार रहा था। आप ही एक बार सोचिए, अगर आप एकदम अच्छे से समझ के गेम खेलेंगे तो आप यहाँ से कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन आप ये नज़रिए से लीजिए कि कोई भी हम जहाँ पे एयरड्रॉप ज्वाइन करते हैं तब हमें रिडीम के टाइम पे कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी देनी पड़ती है $2 से $3 की। वो हिसाब से आप समझिए कि आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी देनी पड़ रही है, लेकिन विड्रॉ यहाँ पे एकदम इंस्टेंट है। तो मैं एक बार आपको बता दूँ 15.33
डॉलर इंडियन रुपीज में कितने होते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं 1133 रुपीज हो रहे हैं करंट वैल्यू के हिसाब से। अब मैं आपको रिडीम की प्रोसेस बता दूं और यही वीडियो में सेम वीडियो में मैं आपको सारे के सारे कॉइन्स अपने बैंक में लेके बताऊंगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको विड्रॉ प्रोसेस बता दूं कि कैसे आपको यहाँ पे इसे कैश आउट करना है। सिंपल सा आप यहाँ पे कुकॉइन ओपन कर लीजिए। कुकॉइन ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल सा असेट वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है BSV। जैसे आप यहाँ पे BSV सर्च कर लेंगे, BSV पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका एड्रेस शो हो जाएगा। ये एड्रेस आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डॉट वॉलेट ओपन करके ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे पे टू एड्रेस, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है पे टू एड्रेस पे क्लिक कीजिए। जो एड्रेस हमने यहाँ पे कुकॉइन से कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप जितने भी BSV ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इनपुट कीजिए। मैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑल कर लेता हूँ और ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, ट्रेडिंग पासवर्ड इनपुट कीजिए और जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे इनिशिएट कर दीजिए। और कुछ ही टाइम के अंदर अंदर दोस्तों आपके जो BSV है वो आपके डॉट वॉलेट से डिडक्ट होकर आपके कुकॉइन वाले वॉलेट में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन करते समय एक बार एड्रेस 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि गलती से भी दोस्तों आपने थोड़ा सा भी एड्रेस यहाँ वहाँ किया तो आपके सारे के सारे फंड कहाँ गायब हो जाएंगे किसी को नहीं मालूम चलेगा। सो प्लीज़ एक बार बस ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने से पहले 2 से 3 बार आप अपना जो एड्रेस इनपुट करते समय चेक कर लिया कीजिए। ये सिर्फ दोस्तों ये वीडियो के लिए नहीं है, आप कभी भी कहीं पे भी कोई भी एड्रॉप ज्वाइन करें या फिर कोई भी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करें ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो कुछ टाइम यहाँ पे दोस्तों मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे ही हमें यहाँ पे हमारे कुकॉइन वॉलेट में हमारे फंड रिसीव हो जाते हैं फिर मैं आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेरे BSV टोकन अपने कुकॉइन वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। सिंपल से आप डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे BSV सिलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जितने भी मेरे BSV के डिपॉजिट थे, इसके पहले भी मैंने यहाँ पे 0.05 का डिपॉजिट लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेरीफाई कर रहा था वो टाइम पे, इसलिए मेरे 0.05 का था और ये 0.14 ये तो मैंने आपके सामने ही अर्न करके डिपॉजिट करके विड्रॉ करके आपको बताया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो विड्रॉ है वो लेने में आपके केस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो BSV नेटवर्क है वो यहाँ पे 250 कन्फर्मेशन लेता है एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको BSV पेंडिंग में शो हो जाएंगे लेकिन वो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कुछ ही टाइम के बाद आपको यहाँ पे वो शो होने लगेंगे। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे BSV रिसीव हो जाए अब मैं आपको बता दूँ कैसे आपको यहाँ पे इसे बैंक में लेना है। तो सिंपल सा फिलहाल जो BSV है वो मेरे वॉलेट में है, इसे मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो BSV सिलेक्ट कर लीजिए। सो आपको इसे यहाँ पे मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। जब तक ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा दोस्तों ये टोकन, तब तक हम इसे ट्रेड करके USDT या TRX में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऑल कर लेता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक करूँगा मेरे टोकन यहाँ पे ट्रेड वॉलेट में आ जाएंगे। अब सिंपल सा ट्रेड पे आ जाइए, BSV सिलेक्ट कीजिए, सेल वाले ऑप्शन पे आइए, 100% सिलेक्ट कर लीजिए या जितना भी आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। फिलहाल की डेट पे यहाँ पे दोस्तों मार्केट भी थोड़ी सी लो चल रही है, तो अगर आप होल्ड करना चाहें तो भी आपको इन फ्यूचर होल्ड करने पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो मैं यहाँ पे दोस्तों 100% सिलेक्ट कर लिया और सेल BSV पे क्लिक करता हूँ और ट्रेडिंग पासवर्ड इनपुट करके अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे इनिशिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मेरा जो टोकन है वो यहाँ पे BSV से USDT में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं TRX बाई कर लेता हूँ ताकि जो TRX हमें रिसीव हो वो यहाँ पे मैं कॉइन DCX में ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो USDT जैसे कि आप देख सकते हैं $29 मेरे फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं 100% सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाई TRX पे क्लिक करके TRX बाई कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मुझे यहाँ पे TRX रिसीव हो जाए तो फिलहाल यहाँ पे जो TRX है वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो मैं ट्रांसफ़र करके इसे अपने मेन वॉलेट में ले लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं 432 TRX मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, इसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में ले लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे विड्रॉ ले पाए और मेरे जितने भी टोकन है वो यहाँ पे मेरे मेन अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों प्रोसेस एकदम ईजी है, जो भी आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं कॉइन DCX या WazirX वो आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कॉइन DCX यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं कॉइन DCX ऐप ओपन कर लिया। आपको यहाँ पे सिंपल सा TRX का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों TRX सर्च कर लेता हूँ। TRX सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपल सा अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, रिसीव ट्रॉन पे क्लिक करूँगा, आई अंडरस्टैंड, और ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लूँगा।
अब यहाँ पे कूकॉइन ऐप ओपन कीजिए, TRX पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, जो एड्रेस हमने यहाँ पे कॉपी किया था कॉइन DCX का, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। वापस एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, एड्रेस पेस्ट करने से पहले, ट्रांजेक्शन इनिशिएट करने से पहले एक से दो बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो सिंपल सा, जितने भी टोकन आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सारे के सारे अपने टोकन विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ऑल मैक्स कर लेता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा, नेटवर्क वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा और वापस एक बार कंफर्म करके ट्रेडिंग अकाउंट और वेरिफिकेशन कोड इनपुट करके अपना जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आप इनिशिएट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे मेरे TRX अपने कॉइन DCX ऐप में रिसीव हो चुका है एकदम इंस्टेंटली। दोस्तों सिर्फ एक मिनट का वेट लगा और कॉइन से मेरे TRX यहाँ पे मुझे कॉइन DCX में रिसीव हो गए। तो प्राइस वाले सेक्शन पे आ जाइए, यहाँ पे TRX सर्च कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे TRX सर्च करेंगे, सेल पे क्लिक कीजिए और जितने भी TRX अवेलेबल हो और आप सेल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे TRX सेल करना चाहता हूँ, स्वाइप टू सेल पे क्लिक कीजिए और आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे आपके TRX सेल हो जाए, माई अकाउंट वाले सेक्शन में आइए, अवेलेबल टू इन्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, विड्रॉ फंड्स पे क्लिक कीजिए और जितना भी बैलेंस आप यहाँ पे विड्रॉ लेना चाहते हैं वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे सारे का सारा कर लेता हूँ 100%। वेरीफाई पे क्लिक कीजिए और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP फिल करके ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे दोस्तों इनिशिएट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2314 रुपीज़ यहाँ पे मैंने विड्रॉ ले लिया और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अंदर ये बैलेंस मुझे यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे मेरे सारे के सारे पैसे मेरे बैंक में रिसीव हो चुके हैं, वो भी एकदम इंस्टेंटली। मेरे दूसरे मोबाइल में दोस्तों, मेरा SBI का सिम है, इसलिए मैं आपको ये वाले मोबाइल में वो मैसेज नहीं दिखा पा रहा, इसलिए स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूँ। एकदम इंस्टेंटली पेमेंट रिसीव हो चुका है। अगर आप कॉइन DCX यूज़ करते होंगे तो आपको आइडिया होगा ही। और वीडियो मैं जानता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा रेगुलर वीडियोज़ के कंपेयर में, लेकिन मैं चाहता था दोस्तों आपको इन डिटेल बताऊँ ये वीडियो में कि कैसे आप एक एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हैं, और सब मैंने आपके सामने एकदम लाइव किया है। सो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो में एक लाइक तो बनता है दोस्तों आपकी तरफ से। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो ये वीडियो द्वारा। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ दोस्तों।